ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। साइड ऑफ डायमेंशन 2 मीटर बाय 1.2 मीटर इज सपोर्टेड बाय अ हॉलो सर्कुलर पोल। मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखो भाई, ये क्वेश्चन है। ओके, एक साइन बोर्ड है। ओके, ये कितना डायमेंशन का है? 2 मीटर बाय 1.2 मीटर। इज सपोर्टेड बाय अ हॉलो सर्कुलर पोल। एक पोल है जो कैसा है, हॉलो है, हैविंग आउटर डायमीटर। जिस पोल का आउटर डायमीटर दिया है, इस पोल को अगर जूम करके देखा जाए तो आउटर डायमीटर 220 mm है और इनर डायमीटर 180 mm है। इनर डायमीटर 180 mm है। द साइन इज ऑफसेट 0.5 मीटर। पोल के सेंटर से कितना ऑफसेट है? 0.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द पोल। एंड इट्स लोअर एज इज 0.6 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे से ऊपर तक कितना है? 6 मीटर है। ओके, डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट ए एंड बी। ए और बी पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना है और वहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है वो मुझे फाइंड करना है। ड्यू टू विंड प्रेशर 2 kPa अगेंस्ट द साइन। अब गाइज, ये क्वेश्चन में बिलबोर्ड का वेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। वेट वगैरह दिया रहता तो कैलकुलेशंस कुछ और होते। प्योरली ये कैलकुलेशंस विंड प्रेशर के ऊपर बेस्ड हमें करने हैं। तो ये सम कैसे सॉल्व करना है मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही आसान सम है। अ साइन बोर्ड इज हैविंग अ डायमेंशंस ऑफ व्हाट? 2 मीटर बाय 1.2 मीटर। इज सपोर्टेड बाय अ हॉलो सर्कुलर पोल हैविंग एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी। लेट मी से कैपिटल डी कितना है? 220 mm और स्मॉल डी कितना है? 180 mm। तो ऐसा ये ड्राइंग अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैंने फिर से बना दिया आपके लिए। साइन बोर्ड इज 0.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ पोल एंड लोअर एज इज 6 मीटर अबव द ग्राउंड। इसका लोअर एज, ये पॉइंट ए और बी आपको दिख रहे हैं कहाँ पे है, जहाँ पे मुझे ये देखो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, बेस ऑफ द पोल है। तो बच्चों, जैसे विंड आएगी, मान लो विंड यहाँ से आई तो पोल को क्या करेगी? ये मान लो पोल है, पोल को ऐसे ऐसे करने की कोशिश करेगी। तो ए पॉइंट जो है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लगेगा और विंड के कारण ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे। विंड के कारण ये पोल को कैसे घुमाने की कोशिश करेगा? ऐसे। हवा आके टकराएगी और उसको ऐसे लेके जाएगी, तो ऐसे टॉर्शन भी लगेगा। तो टॉर्शन या टॉर्क जो है ए पे भी लगेगा, बी पे भी लगेगा। बी पे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्यों मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो चलो, तो ये पॉज करके लिख लेना चाहिए। साइन कन्वेंशन में टेंशन के लिए पॉजिटिव लेने वाला हूँ, कंप्रेशन के लिए नेगेटिव लेने वाला। इस पूरे सम में मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा पी वन और सिग्मा पी टू दोनों जगह पे चाहिए, एट ए एंड बी दोनों जगह पे, एट ए एंड बी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी दोनों जगह पे चाहिए, एट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी। विंड प्रेशर दिया हुआ है 2 kPa दिया हुआ है। लेट मी चेक, यस 2.0 kPa अगेंस्ट द साइन। ओके, टू फाइंड विंड लोड। विंड लोड कैसे फाइंड आउट करूंगा? विंड लोड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ विंड प्रेशर। तो विंड आएगी और इसके ऊपर डायरेक्टली टकराएगी। तो विंड प्रेशर क्या है? विंड लोड अपॉन एरिया, दैट इज डब्ल्यू अपॉन एरिया। तो विंड लोड डब्ल्यू क्या होगा? पी इंटू एरिया। पी का वैल्यू कितना है? प्रेशर 2 kN/m² पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया। एरिया क्या रहेगा? एरिया साइन बोर्ड का एरिया 2 × 1.2 × 1.2। आंसर बताओ, 4.8 kN। ये W का वैल्यू है। उसके बाद में, नाउ दिस विंड लोड ऑफ 4.8 kN एक्स एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, ये कहाँ पे लगेगा? ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, विंड लोड कहाँ लगता है? ए सेंटर पे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर है, तो ये कितना होगा बेटा? 0.6, और ये टोटल कितना है? 6। तो h क्या रहेगा? 0.6 + 6 यानी 6.6 मीटर। तो 6.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड एट द डिस्टेंस b, कैसे फाइंड आउट करूँगा? ये देखो, यही वो पॉइंट है, सेंट्रोइड वाला पॉइंट। तो ये कितना डिस्टेंस रहेगा सेंटर ऑफ द पोल से? तो ये 0.5 और यहाँ पे 2/2 यानी 1, यानी बी हो गया 0.5 + 1 1.5 मीटर।
तो b इज इक्वल टू 1.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द पोल. देखो नीचे से कितना 6.6 और यहाँ से कितना 1.5 मीटर. ओके अब इसके कारण देखो बच्चा ध्यान से सुनो, ये ए पॉइंट जो है वहां पे मोमेंट जनरेट होगा ए पॉइंट पे, और ए और बी दोनों पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस भी जनरेट होगा. कैसे मैं आपको समझाता हूँ. देखो अब एम बी द बेंडिंग मोमेंट, वी बी द शेयर फोर्स, टी बी द टॉर्क. अब मोमेंट जो ए पॉइंट पे जनरेट होगा जिसके कारण डंडा जो है ऐसे ऐसे झुकेगा, ऐसे ऐसे झुकेगा ऐसे, तो क्या रहेगा टोटल फोर वेट डब्ल्यू इंटू हाइट एच, डब्ल्यू इंटू एच. ठीक है, डब्ल्यू कैसा है दीवार के अंदर है, ये बोर्ड के अंदर है, और हाइट एच ऐसा है, तो जिसके कारण ऐसा झुकाव आएगा उस डंडे के ऊपर. तो डब्ल्यू इंटू एच, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 4.8, एच कितना है 6.6, टोटल कितना है बताओ मेरे को आंसर. 68 किलो न्यूटन मीटर. ओके टॉर्क, अब देखो ये जो झंडा है ऐसा मैं आपको समझाता हूँ कैसा, देखो ऐसा है. ठीक है, अब जब विंड प्रेशर आएगा तो ऐसे गोल घूमेगा, गोल घूमने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है टॉर्क जनरेट हो रहा है. वो टॉर्क जो है यहाँ पे देखो ड्राइंग में दिखाने की कोशिश की है, तो टॉर्क कैसे आएगा, ये डब्ल्यू फोर्स इंटू डिस्टेंस 1.5, डब्ल्यू इंटू बी, डब्ल्यू फोर्स कितना है बोलो 4.8 और बी कितना है 1.5, टोटल कितना आया 7.2 किलो न्यूटन मीटर. अब शेयर फोर्स, इस टॉर्क के कारण शेयरिंग एक्शन होगी, वो शेयर फोर्स डब्ल्यू के कारण ही जनरेट होगा, डब्ल्यू इज द शेयर फोर्स कितना 4.8 किलो न्यूटन. तो ये डब्ल्यू टी और वी आपको समझना चाहिए, वी मतलब शेयर फोर्स, एम मतलब बेंडिंग मोमेंट, टी मतलब टॉर्क. इस टॉर्क के कारण शेयर स्ट्रेस भी जनरेट होगा, वो भी मैं फाइंड आउट करता हूँ नेक्स्ट. अब देखो क्या क्या आउटकम्स मैंने आपको बताया वो मैं एक बार नोट करवा के देता हूँ. पहला पॉइंट, एग्जामिनेशन ऑफ दिस स्ट्रेसेस रिजल्टेंट शो दैट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अकर एट ए. बेंडिंग स्ट्रेस सिर्फ कहाँ पे लगेगा ए पे, बी पे क्यों नहीं, बी जो है बच्चा वो न्यूट्रल एक्सिस पे है, बी कहाँ पे है न्यूट्रल एक्सिस पे, तो सारा का सारा कहाँ पे आ जाएगा ए पे आ जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस. ओके therefore a and b are critical points where stress should be determined. the bending moment m produces a tensile force at a but not at b as b lies on neutral axis. ठीक है, तो a पे कौन से है, a का मैं अगर draw करूँ, a पे कौन से है? a अगर मैं draw करूँ मान लो a point ऐसा zoom करूँ आपको, तो वहां पे क्या क्या आएगा देखो, sigma a भी आएगा. ठीक है, और वहां पे shear stress भी develop होगा, a पे shear stress भी आएगा. ठीक है, वो कैसे आएगा वो आगे चल के मैं बताऊंगा. लेकिन बी जो है बी पे टेंसाइल स्ट्रेस नहीं रहेगा, ए पे टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा ए रहेगा, लेकिन बी पे जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहेगा. वो बी पे प्योरली कौन सा स्ट्रेस रहेगा, शियर स्ट्रेस रहेगा. बी पे टेंसाइल स्ट्रेस क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि या बी पे बेंडिंग मोमेंट वाला स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल एक्सिस पे लाई करता है. बेंडिंग स्ट्रेस पूरा का पूरा कहाँ पे आएगा, ए पे आएगा. कौन से नेचर का रहेगा, टेंसाइल नेचर का रहेगा. क्यों टेंसाइल नेचर का, देखो ना जब मैं इस रॉड को ऐसे झुका रहा हूँ, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसे अगर रॉड झुक रहा है तो ये वाला पार्ट किस में रहेगा, टेंशन में, नीचे वाला पार्ट किस में रहेगा, कॉम्प्रेशन. तो ये अभी ऐसे थोड़ी झुका रहे हम, इसको ऐसे झुका रहे, ऐसे ऐसे, तो ए यहाँ पे है ना, तो ऐसे झुका रहे तो ये पार्ट किस में आ गया, टेंशन. टेंसाइल स्ट्रेस जरूर डेवलप होगा उसमें बेंडिंग स्ट्रेस के कारण. तो बाय फ्लेक्चर फॉर्मूला सिग्मा आर मेरा इंडिया. ओके, तो स्ट्रेस एट ए एम वाई अपॉन आई, एम का वैल्यू वाई क्या रहेगा, ए से डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस का कितना है वो डी बाय टू अपॉन आई, आई कितना रहता है बोलो, फाइव बाय 64 डी रेस्टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस्टू 4. एम का वैल्यू बोल दो 31.68 ना, वो किलो न्यूटन मीटर है, न्यूटन एमएम करना है, किलो के लिए 10^3, मीटर के लिए 10^3, 10^3 इंटू 10^3 10^6 इंटू डी बाई टू यानी 220 डिवाइड बाई टू 110, और यहाँ पे पाई बाई 64 220^4 220 आउटर डायमीटर माइनस 180^4. आंसर बताओ 54.91 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यानी 54.91 मेगा पास्कल. उसके बाद में टॉर्क टी प्रोड्यूसेस शेयर स्ट्रेस एट ए ऑल्सो एंड बी ऑल्सो. टॉर्क ये ऐसे गोल घूमेगा तो शेयर स्ट्रेस हर उस पॉइंट पे डेवलप होगा
जहां पे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क तो पूरे सर्कल पे लग रहा है, तो बाय टॉर्शनल फॉर्मूला टाउ राजा तिर्री जोकर, टाउ अपन आर टी बाय जे, तो टॉर्क को मैं टाउ वन बोलता हूँ। ये पहली तरह का शेयर स्ट्रेस है जो पूरे सर्कुलर सर्कमफेरेंस पे जनरेट होगा, टी आर अपॉन जे। टॉर्क की वैल्यू हम जानते हैं, टॉर्क की वैल्यू 7.2 किलो न्यूटन मीटर, बराबर है, यानी 7.2 × 10⁶, 7.2 × 10⁶। हाँ, तो टॉर्क रेडियस की जगह पे डी बाई टू, और जे की वैल्यू क्या रहती है, डी रेस टू फोर माइनस स्मॉल डी रेस टू फोर। तो यहाँ पे 220 डिवाइड बाई टू कितना होता है, 110 डिवाइडेड बाय कितना होगा, पाई बाय 32। 220 रेस टू फोर माइनस 110, सॉरी 180 रेस टू फोर, तो 6.240 आ गया, ओके, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या एमपीए। अब दूसरी तरह का शेयर स्ट्रेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ बी पे डेवलप होगा। अब हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये स्टैंडर्ड है, आप चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो शेयर स्ट्रेस ए पॉइंट पे कितना आता है, जीरो, टाउ एट ए क्या आएगा, जीरो, लेकिन टाउ एट बी, बी पॉइंट क्या रहेगा, टाउ मैक्स, इट इज 2V/A। तो पहला शेयर स्ट्रेस तो टाउ वन तो 6.240 है बी पॉइंट पे, और एक एडिशनल है इसको मैं टाउ टू बोल देता हूँ, कितना है 2V/A। ये ए पे नहीं लगेगा, ए पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा, लेकिन बी क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस वो वाला मैक्सिमम है, इसको डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं आप। तो टाउ टी, टाउ टू इज 2V/A, इट ओनली एक्ट ऑन बी नॉट ऑन ए। तो टाउ टी, टाउ टू इट इज ट्वाइस शेयर फोर्स अपॉन एरिया, शेयर फोर्स की वैल्यू 4.8 किलो न्यूटन है, आपको देखना है तो देख लो, 4.8 किलो न्यूटन है, 4.8 किलो न्यूटन यानी कितना, 4.8 × 10³। एरिया क्या रहेगा इसका, पाई बाय 4, कैपिटल डी इज व्हाट, 220 ना स्क्वायर, माइनस 180 का स्क्वायर, कैलसी में डालो आंसर बताओ मेरे को, 2 × V/π/4 डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ओके, शेयर स्ट्रेस 0.7637 होगा है ना, 394, अच्छा 763 रख देता हूँ मैं बस, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल। 763 आगे कौन सा डिजिट था, 9 था क्या, ठीक है चलो, ये टाउ टू की वैल्यू है। ओके, अब हम जो है पॉइंट ए पे प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, और फिर बाद में पॉइंट बी पे भी निकालेंगे। ओके चलो, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। हाँ, नाउ फ्रॉम हियर आई विल स्टार्ट स्टेप नंबर टू, ये तक स्टेप वन ही है, ऐसा पकड़ो, ये स्टेप वन है, देखो ये स्टेप वन है, बरोबर। स्टेप वन में क्या क्या किया बोलो, विंड लोड निकाला, और उसके ऊपर से मैंने मोमेंट ए पॉइंट पे जो लग रहा है वो निकाला ए पॉइंट पे, फिर टॉर्क पूरे जो सर्कुलर सेक्शन पे लग रहा है टॉर्क, ओके, वो कौन सा टॉर्क है, टाउ वन, वो पूरे ए पे भी लग रहा है बी पे भी लग रहा है वो निकाला, 7.2 किलो न्यूटन मीटर। शेयर फोर्स पूरे बार पे जो लग रहा है वो निकाला, 4.8 किलो न्यूटन। उसके बाद मैं फ्लेक्सुरल फार्मूला यूज़ करके मैंने जो बेंडिंग स्ट्रेस है बी पे जो डेवलप हो रहा है 54.91, सॉरी नॉट ऑन बी नॉट ऑन ए, जो बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है 54.91 MPa टेंसाइल नेचर का वो निकाला। उसके बाद मैं शेयर स्ट्रेस जो ए पे भी है और बी पे भी है 6.240 वो निकाला, और फिर टाउ टू जो कि प्रेजेंट है ओनली ऑन बी एंड नॉट ऑन ए वो भी निकाला, ठीक है। अब मैं फॉर पॉइंट ए सॉल्विंग करता हूँ, पॉइंट ए सॉल्विंग स्टार्ट कर देता हूँ। अब ए पॉइंट जो है उसको थोड़ा जूम कर दूँ तो ऐसा दिखेगा, पॉइंट ए, ये कौन है, ए है, ठीक है। ए पे कौन से लगेंगे फोर्सेस, अब देखो गौर से सुनो, हाँ ए पे सिग्मा ए कैसा है, टेंसाइल नेचर का है, ठीक है, वो ऊपर भी नीचे भी रहेगा, मैं लिख देता हूँ,
ए पे सिग्मा एक्स जीरो रहेगा, सिर्फ सिग्मा वाई रहेगा, सिग्मा वाई कौन रहेगा, सिग्मा ए, और उसकी वैल्यू कितनी है सिग्मा ए की, बोलो बेटा बोलो ना जरा, सिग्मा ए कितना है, 54.91 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या मेगा पास्कल, और शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई क्या रहेगा ए पे, ए पे ओनली टाउ वन रहेगा, नॉट टाउ टू, बराबर है ना, टाउ टू किसके लिए, ओनली फॉर बी ए नॉट ए, तो उसकी वैल्यू कितनी है टाउ वन की, 6.240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल, सब लोग समझ गए ओके अब इसकी डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे कौन रहेगा, ओनली सिग्मा वाई, बराबर है ना, और टाउ एक्स वाई ये पॉजिटिव है ना, तो वाई एक्सिस के अलोंग क्लॉकवाइज और एक्स के अलोंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है टाउ एक्स वाई, सही बच्चा ओके अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिग्मा मैक्स या सिग्मा वन कैसे करते बोलो भाई, फॉर्मूला बोलो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू बोलो प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाल दो बच्चा मेरे को आंसर बताओ, चलो जल्दी, सिग्मा एक्स की वैल्यू 0, सिग्मा वाई की वैल्यू 54.91 अपॉन टू प्लस 0 माइनस 54.91 अपॉन टू द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का वैल्यू कितना है 6.24 का स्क्वायर, आंसर बताओ कितना आया, 55.61 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल ओके, सिग्मा टू या सिग्मा मिनिमम का वैल्यू बताओ, बोलो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर ओके, चलो मेरे को वैल्यू बताओ फिर कैसे करें, यही वैल्यूज डालो कैलसी में, आंसर बता दो सिर्फ -0.7001 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या मेगा पास्कल, बराबर है ना ओके, उसने रिप्रेजेंटेशन करने को बोला क्या, चेक कर लेते क्वेश्चन में एक बार, डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट ए एंड बी एट द बेस ऑफ पोल ड्यू टू विंड प्रेशर, रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा है, नहीं करता मैं डायरेक्टली टाउ मैक्स फाइंड आउट करता हूँ, टाउ मैक्स पूछा है उसने, है ना, हाँ तो टाउ मैक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बच्चा बता, इट इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू बोलो द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, चलो वैल्यू डालो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन, मिनिमम शियर स्ट्रेस पूछा रहता तो आगे सिर्फ क्या लगाना है, माइनस साइन, चलो आंसर बोलो 0 माइनस 54.91 का अपॉन टू द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का वैल्यू 24 का स्क्वायर, आंसर बताओ 28.155 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल, अब गौर से सुनो बच्चों, मैं इन सबके सफिक्स में ए लगा देता हूँ, सिग्मा वन एट ए सिग्मा टू एट ए टाउ मैक्स एट ए, और ये आंसर्स जो है इनको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कंप्रेसिव नेचर है, ये पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, टेंसाइल नेचर है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 55.61 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर
और MPA टेंसाइल ये 0.7001 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कंप्रेसिव ये MPA भी लिख सकते हैं और MPA कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक है। आप आंसर्स को बॉक्स भी कर सकते हैं, बॉक्स, ठीक है। जैसे मैंने फॉर पॉइंट ए फाइंड किया, उसी तरह से मुझे किसके लिए फाइंड करना है, फॉर पॉइंट बी। ओके, स्टेप नंबर थ्री, फॉर पॉइंट बी, पॉइंट बी के लिए बच्चों गौर से सुनो, पॉइंट बी जो है उसके ऊपर किसी भी तरह का टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ शियर स्ट्रेस है, ठीक है। शियर स्ट्रेस, दो मिनट, बी पॉइंट एक क्लॉकवाइज ले लेते हैं, हाँ, इसको टाउ एक्स वाई कहेंगे, इसको भी टाउ एक्स वाई। यहाँ पे सिग्मा एक्स क्या है, जीरो, सिग्मा वाई क्या है, जीरो, और टाउ एक्स वाई क्या है, इट इज टाउ वन प्लस टाउ टू। टाउ वन की वैल्यू क्या थी, 6.24 थी, बरोबर ना, 6.24। और चेक कर लेते हैं एक बार, टाउ वन की वैल्यू 6.240 और टाउ टू की वैल्यू 0.7639। आंसर बताओ एडिशन का, 7.0039 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या उसी को मेगा पास्कल भी कह सकते हैं। ओके, नाउ सिग्मा वन एट बी, बरोबर है, उसी को सिग्मा मैक्स एट बी भी कह सकते हैं। फॉर्मूला बोल दो बेटा, इट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू द होल स्क्वायर टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ रहा है इधर, जीरो प्लस अंडर रूट जीरो प्लस 7.0039 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ रहा है, 7.0039 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या मेगा पास्कल, बराबर है ना। ओके, हाँ, सिग्मा टू की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा मिनिमम एट बी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो इधर जीरो बच में माइनस साइन, माइनस साइन, आई एम सो सॉरी, माइनस अंडर रूट ऑफ जीरो प्लस 7.0039 का स्क्वायर। तो माइनस 7.0039 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या मेगा पास्कल। ये कौन से नेचर का है, टेंसाइल, ये कौन से नेचर का है, 7.0039 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या मेगा पास्कल, कंप्रेसिव नेचर का है। इसके बाद में लास्ट टाउ मैक्स एट बी, इसको बॉक्स कर दो, ये आंसर्स है। हाँ, टाउ मैक्स एट बी, बोलो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो जीरो आएगा, 7.0039 का स्क्वायर, तो टाउ मैक्स एट बी आ गया ना, टाउ मैक्स एट बी 7.0039 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या मेगा पास्कल। तो ये भी एक आंसर है। तो बच्चों इस तरह से ये सब खत्म हो गया, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट पे मैंने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों फाइंड किए।